हम लोगों ने क्या देखा था कि फंक्शन जो होते हैं हर बार वन वन ऑन टू नहीं होते, ये अपने का लास्ट चीज देखी थी कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि इतना खूबसूरत होगा हर चीज की फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा ना। कभी कभी होता है वन वन, कभी कभी ऑन टू होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि आप हर फंक्शन को इन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपसे कोई जबरदस्ती बोले कि नहीं इन्वर्स करके ही बता, तो बोलना कि नहीं ठीक है अपन डोमेन और रेंज को काट पीट सकते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है आपका, है ना, तो इस ग्राफ के हिसाब से आपको को डोमेन कितना दिया था और रियल नंबर, और इसका रेंज कितना है 0 से इन्फिनिटी। तो पहले तो आप क्या करो कि इसका को डोमेन जो है उसको छोटा कर दो, आर्क को हटा के आप क्या कर दो 0 टू इन्फिनिटी कर दो, को डोमेन बदल दिया आपने, है ना। खुद से कर सकते हो तो फंक्शन को अपना डिफाइन करना है, देखो फंक्शन को डिफाइन करना अपने ऊपर है, हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन बनाता है हमारे ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपको, चलो अपन ने इसका कोडोमेन तो कर दिया बराबर, फिर आपको वन वन करना है। वन वन करने के लिए आपको हमेशा वो हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखनी है, दो पॉइंट आ रहे हैं अपने पास, ये तो बहुत गंदी लाइन बन गई, दो पॉइंट आ रहे हैं अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन। ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है ना, ये देखिए दो पॉइंट आ रहे अपने पास, है ना, तो कम से कम एक हिस्सा उड़ा देंगे अगर अपन, तो क्या हो जाएगा आपका ग्राफ वन वन हो जाएगा। तो एक हिस्सा उड़ाने का जो मतलब होता है, मैथमेटिकल मीनिंग होता है कि आप डोमेन को काट रहे हो, आप क्या कर रहे हो ग्राफ को काट रहे हो, मतलब ग्राफ इन एक्स के लिए आप, एक्सक्यूज मी, इन एक्स के लिए आप ग्राफ को डिफाइन नहीं होने दे रहे हो, सही बात है। तो हमने क्या करा, फंक्शन की जो डोमेन है ऑल रियल नंबर से हटा के उसको 0 टू इन्फिनिटी कर दिया, 0 टू इन्फिनिटी। आप अगर वो चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि ग्राफ इतना ही रहने दो बस, मतलब -∞ से 0, अगर यहाँ पे -∞ से 0 कर देते आप तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी आपका फंक्शन तो वन वन होता ही ना, और रेंज हमेशा, रेंज तो इस बार भी सेम ही होती। तो आइदर वे यू डू इट, सब कुछ सही है, बस फंक्शन वन वन और ऑन टू होना चाहिए। तो जबरदस्ती वन वन बनाना है आप कैसे करते हैं अपन समझ में आ गए। चलिए तो इसके रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे, और ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको टॉपिक समझाया अभी, ये पूरा टॉपिक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अगला जो अपना चैप्टर है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पूरा इसी पर बेस्ड है, पूरा का पूरा। ओके लिखो बेटा, ड्रॉ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा, फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी से लेकर 0 टू इन्फिनिटी है, और दिस इज योर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको इसको ड्रॉ करना है, इस फंक्शन को भी ड्रॉ करना है और इसके इनवर्स को भी ड्रॉ करना है, कर पाओगे क्या, करो कोशिश करो। इनवर्स ड्रॉ करने का फंडा तो मैंने आपको सिखाया ही था, सबसे पहले क्या करते हैं इसका फंक्शन बना लेते हैं, इनवर्स बना लेते हैं, लेट अस ड्रॉ द इनवर्स, लेट अस फॉर्म द इनवर्स। तो मैं पहले क्या करता हूँ, आपका फंक्शन क्या दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनवर्स बनाने की प्रक्रिया याद है आपको क्या होती थी, एक्स को अकेला कर दो, एक्स को अकेला कैसे करोगे आप, यू कैन राइट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई प्लस माइनस साइन के साथ, सही बात है क्या, एक्स को मैंने अकेला कर दिया। अब एक्स को अकेला करने के बाद ये स्टेप वन है, स्टेप टू क्या होती है कि एक्स और वाई की अदला बदली कर दो, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई कर दो, जहां जहां वाई है वहां एक्स कर दो, तो दिस थिंग विल बिकम ऐसा। जहां तक रहा सवाल ड्रॉ करने का, तो ड्रॉ देखिए कैसे करेंगे अपन, ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस है, और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आई कैन ईजिली ड्रॉ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तो मैं बहुत आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये बन गया मेरा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। फिर मैंने देखा कि अरे बाप रे, डोमेन तो 0 टू इन्फिनिटी, मतलब ये वाला एक्स लेना है बस, तो ये वाला हटाना है, और अगर ये वाला हटाना है तो ये वाले एक्स के रिलेटेड ग्राफ भी हटा दो,
समझ में आ रहे? तो ये बन गया आपका ग्राफ। अब इस ग्राफ में आपको क्या करना है, इसका इनवर्स बनाना है, है ना? आपको इसका इनवर्स ड्रॉ करना है। तो इनवर्स कैसे ड्रॉ होता है बच्चों, देखना। इनवर्स क्या होता है ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का इनवर्स होता है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये कौन सी लाइन है? दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x। ये है लाइन y इज इक्वल टू x। इसके आपको इनवर्स बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। ये हरा वाला जो ग्राफ है इसका, बस आप मिरर इमेज ले लो, परछाई ये आ जाएगी इसकी मिरर इमेज, दिस इज द मिरर इमेज। तो ये वाला ग्राफ क्या बना है, ये बना है एफ इनवर्स एक्स, जो कि हो जाएगा कितना, रूट एक्स। ये निकाला ना करने। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट आएगा, सर माइनस रूट एक्स का क्या करेगा, प्लस माइनस दो इनवर्स आ रहे, प्लस माइनस दो इनवर्स आ रहे हैं तो क्या करे, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसमें से वैलिड इनवर्स जो होगा वो होगा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। जो इनवैलिड इनवर्स होगा वो क्या होगा, माइनस साइन वाला। दो इनवर्स आ रहे हैं ना अपने पास, किसी भी फंक्शन के दो इनवर्स नहीं आ सकते भाई, एक ही इनवर्स आएगा। तो इसमें से एक रिजेक्ट होगा, एक एक्सेप्ट होगा। तो मैंने इसको एक्सेप्ट करा, इसको रिजेक्ट करा, क्यों सोचो थोड़ा, आप लोग सोचो फिर मैं बताता हूँ। तो भाई ड्रॉ तो मैंने कर दिया तुरंत, है ना, ये हो गया अपना फंक्शन ड्रॉ। ये ऑरेंज वाला क्या था, जो लिखा है वही है, और ग्रीन वाला क्या है, फंक्शन। तो ऑरेंज वाला है उसका इनवर्स, एफ ओ फिक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। ये वाले पार्ट पे आते हैं, ड्रॉ कर लो आप पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा। बहुत इजी है, कैसे रिजेक्ट करना है वो बहुत आसान है, मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, आपका आंसर आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ क्यों रिजेक्ट करें। चलिए देखो, इधर आगे देखो, हमारे पास दो इनवर्स आए थे, है ना। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि क्या किया जाए, है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है लेकिन जो भी है, हम कंफ्यूज हो गए कि इसको एक्सेप्ट करें या इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि दोनों में से कोई एक आएगा, दो इनवर्स तो नहीं हो सकते एक ही फंक्शन। तो हमने क्या बोला कि फंक्शन का डोमेन क्या है बच्चों, जीरो टू इन्फिनिटी, और फंक्शन का रेंज क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। एक बात बताऊं मैं आपको, इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है ना, डोमेन टू रेंज, ये होता है फंक्शन, और फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो रेंज टू डोमेन, मतलब इनवर्स का डोमेन ये हो जाता है रेंज। जो फंक्शन का रेंज था वो इनवर्स का डोमेन हो जाता है, और जो फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन था वो इनवर्स का रेंज हो जाता है। अरे बहुत ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है, आप d से r जा रहे हो, उल्टा कैसे आओगे, r से d, तो इनपुट जो हो गया वो आपका डोमेन हो गया। तो अब ये वाला पार्ट डोमेन हो गया और ये वाला पार्ट रेंज हो गया। तो वही चीज लिखी यहाँ पे कि अभी डोमेन क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो टू इन्फिनिटी अगेन। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसका रेंज जीरो टू इन्फिनिटी है, इसमें से और इसमें से, दोनों का डोमेन तो जीरो टू इन्फिनिटी सेम, दोनों का डोमेन सेम है, बट रेंज निकालना है अपने को। तो रेंज बड़े आसानी से निकल जाएगा, रेंज कैसे निकलेगा इसका बताओ, अंडर रूट ऑफ ए नंबर, अंडर रूट ऑफ ए नंबर का मिनिमम वैल्यू बच्चों कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए नंबर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, जीरो। नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना रूट ऑफ ए नंबर, मिनिमम वैल्यू जीरो होगा और मैक्सिमम इन्फिनिटी। अच्छा, और इधर देखिए, अंडर रूट ऑफ ए नंबर विद नेगेटिव साइन, तो सेम रेंज आएगी जीरो टू इन्फिनिटी, बट बाहर एक माइनस साइन लगा है, माइनस साइन की वजह से देखो क्या हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो नीचे वाले की जो रेंज है वो ये है, और ऊपर वाले की रेंज क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। किसकी रेंज जीरो टू इन्फिनिटी है, वो अपना एक्सेप्टेबल फंक्शन होगा, इनवर्स होगा। तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसको रिजेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि दोनों की रेंज अलग अलग आ रही है। कैसे रेंज निकाला मैंने, कि रूट अंडर रूट ऑफ ए नंबर कैन बी मिनिमम जीरो, मैक्सिमम इन्फिनिटी, और यहाँ पे एक माइनस साइन था, इस माइनस साइन ने सब कुछ बदल दिया। तो ये एक्सेप्ट और ये रिजेक्ट, ठीक है।
लिखिए नोट, इस पे आप तीन सितारा तो लगा दोगे, दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखिए इफ आस्ड टू सॉल्व अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, ऑलवेज सॉल्व द फंक्शन विथ y is equal to x। Rather than solving for f of x is equal to f inverse x। दो चुटकियों में समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ना, आराम से समझा दूंगा मैं, पहले लिख लो, बहुत ही आसान बात लिखी है, पहले लिख लो आप लोग, फिर अपन समझते हैं। सुना मेरी बात ध्यान से, लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखो लिखो। इसको हमेशा याद रखे आप ना, मरते दम तक याद रखो। अगर ध्यान से सुनो, अगर आपको बोला जाए कि एक फंक्शन है और एक फंक्शन उसी का इनवर्स है, इनवर्स को मैं येलो से बना देता हूं, तो एक फंक्शन है और उसका इनवर्स है, और आपसे कह रहा है कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फंक्शन का और उसके इनवर्स का, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोल दिया। तो आप लोग बेसिकली देखो, दो फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सिंपली उन दोनों को इक्वेट करके। तो आप फंक्शन को और उसके इनवर्स को सॉल्व कर दोगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। जैसे कि अपन ने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि इफ वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस y इज इक्वल टू x प्लस 3 और y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, मान लो ये दो स्ट्रेट लाइंस है मेरे पास, इन दोनों का आपको अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करो, दोनों को सॉल्व करो, यू विल इक्वेट बोथ ऑफ देम, राइट, यहां से y उठा के यहां डाल दोगे, इक्वेट करना ही तो हुआ ये। तो कोई भी दो फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते तो कैसे करते हो, दोनों को इक्वेट कर देते हो। तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा कि दोनों को इक्वेट कर देगा, ये होगी आम जिंदगी। और मिनट ऑफ जिंदगी क्या हो जाएगी, मिनट ऑफ जिंदगी में ये हो जाएगा कि आप ना उन दोनों को आपस में सॉल्व मत करो यार, उनमें से कोई एक फंक्शन को उठा लो और उसको इस हरी वाली लाइन से, ग्रीन वाली लाइन से आप सॉल्व कर दो। ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x। आप क्या करो, कोई भी एक फंक्शन ले लो, व्हिचएवर इज इजियर, कई बार इनवर्स फंक्शन ज्यादा आसान होता है, कई बार ओरिजिनल फंक्शन ज्यादा आसान होता है, जो भी आपको आसान दिख रहा है उसको पकड़ो और उसको इस लाइन के साथ सॉल्व कर दो। अरे भाई ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है और ये जो येलो वाला है ना, फंक्शन और उसका इनवर्स, दोनों की दोनों y इज इक्वल टू x लाइन को इनवर्स कर रहे हैं सेम पॉइंट पे, तो इनका जो ओरिजिनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो ये था, है ना, वो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, लेकिन इसी पॉइंट से ये ग्रीन वाली लाइन y इज इक्वल टू x भी तो पास हो रही है, तो क्यों ना हम ये ओरिजिनल फंक्शन को fx को इस y इज इक्वल टू x के साथ सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा आसान होगा ना सॉल्व करना, रादर देन आपको ये चीज सॉल्व करना होगा f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, कौन सा ज्यादा आसान है, f ऑफ x को आपने अगर ये f ऑफ x और x को ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना, और फंक्शन को और उसके इनवर्स को ऐसे सॉल्व करते हैं ना, ग्रीन वाला ध्यान से शांति से देखो, ये वाइट वाला और येलो वाला, वाइट वाला और येलो वाला, वाइट और येलो को सॉल्व करोगे तो भी ये पॉइंट आएगा, और वाइट को और ग्रीन को सॉल्व करोगे तो भी ये पॉइंट आएगा। ज्यादा आसान क्या है, वाइट को और ग्रीन को सॉल्व करना, मतलब फंक्शन को और y इज इक्वल टू x लाइन को सॉल्व करना ज्यादा आसान है, वही चीज अंग्रेजी में लिखी हुई है, इफ आस्क्ड टू सॉल्व अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, फंक्शन और उसका इनवर्स सॉल्व करने को बोला है, ऑलवेज सॉल्व द फंक्शन विद y इज इक्वल टू x रादर देन सॉल्विंग फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा है फंडा, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत पूछा है आईआईटी ने, हर किसी से हो जाता है, थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ चाहिए बच्चे को, सारे क्वेश्चन कर लोगे आप।
लिखो अ फंक्शन एफ 3/2 टू इंफिनिटी से लेकर 7/4 टू इंफिनिटी, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। डिफाइन करा ना फंक्शन को, इस तरह से डिफाइन किया है। तो आपसे कह रहा है कि चलो एफ ऑफ एक्स अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। आपको कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में कैसे फ्रेम किया जाता है, ऐसे फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ इट्स इनवर्स एफ इनवर्स एक्स। एक ही बात है ना, अरे भाई फंक्शन को उसके इनवर्स के साथ सॉल्व करना, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो आपको अगर ऐसा बोल दिया कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद इट्स इनवर्स एफ इनवर्स एक्स, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग चालाकी से सॉल्व करेंगे। चालाकी से सॉल्व करना अभी मैं आपको सिखाता हूं। अरे जा क्यों नहीं रहा जी नीचे, एक ट्राई और मारते हैं। देखो भी क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद इट्स इनवर्स एफ इनवर्स एक्स। मतलब एक आम बच्चा क्या करेगा कि पहले फंक्शन को लिखेगा, देखना ध्यान से है ना, लिख लो ये मेथड वन, बहुत गरीब लोगों का मेथड, ऐसा लिख लेना है ना। तो आम बच्चा क्या लिखेगा, ये फंक्शन लिखेगा, फिर इसका इनवर्स निकालेगा, मेहनत। इनवर्स कैसे निकालेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, वो क्या बोलेगा कि अरे यार मेरे को x को अकेला करना है, x को अकेला करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन चलो मान लो बच्चा थोड़ा सा टैलेंटेड है, उसको ज़्यादा लोड नहीं लग रहा है, उसने x को अकेला कर दिया, ये हो गया भाई x अकेले है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 9 का कितना, 4 16, 16 माइनस 9 कितना हो जाता है अपने पास 7, 7/4, ये हो गया भाई, हो गया x अकेला। x कैसे अकेला हो गया, y माइनस 7/4 इसका अंडर रूट प्लस 3/2, दिस इज इक्वल टू x, समझिएगा है ना। ठीक है, तो मान लो उसने मेहनत कर ली, x को अकेला कर दिया उसने, तो दूसरे स्टेप में क्या करेगा, x और y की अदला बदली कर देगा, तो क्या बचेगा आपके पास, y इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 7/4। ये उसने बड़ी मेहनत से इनवर्स निकाला, फिर उसने बोला कि इनवर्स फंक्शन तो आ गया मेरे पास, दिस इज नथिंग बट एफ इनवर्स x, ये है एफ इनवर्स x, और एफ एक्स के साथ इसको इक्वेट करेगा। सोचो ये एक तो राक्षस जैसा फंक्शन आया, इसको आप फंक्शन के साथ इक्वेट करोगे, आसान लग रहा है नहीं ना। मेथड टू, मेथड टू क्या बोलती है कि आप क्या करो ना कि एफ ऑफ एक्स को एक्स के साथ इक्वेट कर दो, क्योंकि भाई जो भी फंक्शन होगा, मान लो ये आपका फंक्शन है ना, मान लो ये आपका फंक्शन है और ये उसका इनवर्स होगा, इनवर्स उसका रिफ्लेक्शन होता है अबाउट दिस डॉटेड लाइन। तो आप उसको फंक्शन को और उसके इनवर्स को सॉल्व करके पॉइंट निकालोगे नॉर्मली, लेकिन आप फंक्शन को और ये लाइन को ही सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व इट विद द लाइन, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो व्हाट वाज योर फंक्शन अगेन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये आपका फंक्शन था, क्यों ना हम इसको x, ये फंक्शन को ये फंक्शन के साथ सॉल्व कर लेंगे, है ना। एफ एक्स को अपन ने y इज इक्वल टू x के साथ सॉल्व कर लिया, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये दो बार x कहाँ से आ गया, इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है किसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बस आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट। अरे क्या बात कर रहे हो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया मेरे पास 2, x कोऑर्डिनेट तो आ गया मेरे पास,
वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी टू होगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। ये देखो ये लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स, सुनो मेरी बात बच्चों, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट दोनों का, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, फंक्शन और उसके इनवर्स का इंटरसेक्शन, और ये वाला पॉइंट इत्तेफाक से इस डॉटेड लाइन पर भी लाई कर रहा है, और ये डॉटेड लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स हमेशा रहेगी। तो आपका फंक्शन में जो भी पॉइंट आ रहा है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो सेम टाइप का है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स में हर पॉइंट क्या होता है, ए कॉमा ए टाइप का। तो एक्स अगर टू आ गया है तो वाई भी टू आएगा, तो सिमिलरली वाई कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का आ जाएगा 2.2। इसको छाप लो, थोड़ा सा मैं आपको पॉज देता हूँ। क्लियर हो रहा है, एकदम बाउंसर निकल गई ऊपर से, ऐसा तो नहीं ना यार, ऐसा हो तो बता देना यार। बाकी अपन बहुत प्यार से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी ही नहीं, 17 लेक्चर में अपन ने फंक्शंस जो है खींच लिया है। आप सोच लो इतना धीरे कैसे, मतलब अपन बहुत आराम से कर रहे हैं। अब बस मॉड्यूल सॉल्व करते जाओ, और मंडे से अपन मॉड्यूल और सिंगेज बुक के कुछ कुछ प्रॉब्लम भी कर लेंगे। चलो लिख लिया होगा, इतना टाइम दे दिया ना, आगे बढ़ते हैं। इफ फंक्शन आर टू आर, ये फंक्शनल डेफिनेशन है, और फंक्शन क्या है बच्चों, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा एक्स क्यूब, और तेरी क्यूबिक फंक्शन है, प्लस आगे कुछ भी है, समझ गए ना अपन की क्यूबिक ही आएगा फंक्शन, ए प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3a into x plus 5 is an invertible function. Invertible function का मतलब समझ में आता है आपको क्या है? Invertible mapping लिखो है ना, ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छा stylish लगता है ना थोड़ा, invertible mapping. Find range of a. फाइंड रेंज ऑफ ए, स्मॉल ए का वैल्यू नहीं निकालना है आपको, ए के बहुत सारे वैल्यू होंगे तो उन सबका सेट निकालना है। क्वेश्चन को समझते पहले ना, क्वेश्चन को समझते, क्या आप लोगों को पता है कि व्हाट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, व्हाट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, लिख लिया जाए, लिखो इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है कि फंक्शन होना चाहिए आपका 1-1 एंड ऑन टू, ठीक है। 1-1 का मतलब क्या होता है कि इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ तो अच्छी बात है, ड्रॉ नहीं करते इसका कहाँ से बना लोगे भाई, हाँ इसका ग्राफ हनुमान जी भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ए फंसा है ना यहाँ पे, ए थोड़ी ना पता अपने को, तो ग्राफ तो नहीं बना सकते अपन, मेथड 1 तो वैसे भी यूज नहीं होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाला मेथड होता है बचा है। तो मैंने 1-1 के लिए क्या बताया था बच्चों आपको, कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो आइदर इट शुड बी ग्रेटर देन 0 डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ मैं, dy by dx क्या हो जाना चाहिए, either it should be increasing मतलब हमेशा greater than or equal to 0, और समझो यार, और को समझो आप, ये भी चलेगा और always decreasing भी चलेगा, always decreasing भी चलेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी ना, क्योंकि फंक्शन देखो हमेशा अगर इंक्रीजिंग है तो ऐसा दिखेगा, फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी खींचोगे तो आपको मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलने वाला है हमेशा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में भी और डिक्रीजिंग फंक्शन में भी यही क्वालिटी होती है। ठीक है, और ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू में क्या होता है, ये तो मैंने 1-1 की बात कर दी, 1-1 एंड ऑन टू ये होना चाहिए, तो आपका ऑन टू में क्या होता है, रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोड में, तो पहले अपन ऑन टू को सुलटा देते, ऑन टू को खत्म कर देते, फिर यहां पे अपने को कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ी। अभी अपने को बच्चों इतना समझ में आ गया है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, समझो मेरी बात, फंक्शन दिया था
आर टू आर, डोमेन क्या है और रियल नंबर, इस क्वेश्चन के हिसाब से डोमेन क्या है आर, और रेंज क्या है, रेंज नहीं पता मेरे को, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोडोमेन दिस इज कोडोमेन, कोडोमेन कितना है ऑल रियल नंबर। अच्छा, और रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होते हैं इन्वर्टिबल मैपिंग में, और ये अगर इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है, जिसका इन्वर्स बनाना पॉसिबल है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव भी कहते हैं इसको, है ना। तो इन्वर्टिबल और बाइजेक्टिव दोनों में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होती है, समझ में आ रहा है। अच्छा, क्यूबिक की रेंज क्या होती है, क्यूबिक की रेंज आपकी घर की काम वाली वाई बता देगी, वाई बिलोंग्स टू आर, ये होता है रेंज क्यूबिक का, मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। क्यों भाई, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका, कोडोमेन तो अपने को दे ही रखा है क्वेश्चन में से, छाप लेते हैं अपन कितना ऑल रियल नंबर, क्या दोनों बराबर है। हाँ, तो दिस फंक्शन इज हैप्पीली ऑन टू, ये खुशी खुशी ऑन टू है, बचपन से ही ऑन टू है, ये जैसे क्वेश्चन बना है ना तब से ही ऑन टू है, तो फंक्शन के ऑन टू का अपने को दिक्कत लेना ही नहीं है, ठीक है। देखो द फंक्शन इज ऑलरेडी ऑन टू, है ना, हिंदी में लिख लो, हमको बस अब वन वन का टेंशन लेना है, ऐसे लिख लिया करो आप, पता नहीं कैसे समझ में आएगा कुछ दिनों बाद। अब वन वन बनाते, किसी भी फंक्शन को वन वन बनाना है तो ये दो कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको, है ना। तो देखो फॉर फंक्शन टू बी वन वन क्या होना चाहिए, इट्स का उसका dy by dx या तो हमेशा इंक्रीजिंग हो, या मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो मतलब डेरिवेटिव उसका dy by dx हमेशा पॉजिटिव हो, या dy by dx हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों कंडीशन अपन लगा देंगे, समझ गए ना अपन, क्या अपन इतने चालाक है, अगर अपन इतने चालाक है तो हम लोग सॉल्व कर लेते, तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते, व्हाट वाज योर फंक्शन लिखना पड़ेगा फिर से, ये एक्स क्यूब, इसका dy by dx निकालो, dy, चलो पहले मैं ना छाप लेता हूँ, लिखो y क्या है आपका, ऊपर से देख के, यहाँ से देख के लिखना है आपने को, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस ए प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स प्लस फाइव, ये y है, तो क्या मैं dy by dx निकाल पाऊंगा, क्या मैं dy by dx निकाल पाऊंगा, निकाल लूंगा ना, क्या दिक्कत है, फटाक से निकाल लेंगे, देखो एक्स क्यूब का आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर में जाए ये टू नीचे आएगा तो टू टाइम्स कांस्टेंट भी आएगा बाहर, इंटू एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा इसका, थ्री ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री ए, और फाइव का डेरिवेटिव जीरो, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है पक्का। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आना चाहिए, और डी वाई बाई डी एक्स जो कि आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2x प्लस 3a, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना, हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मैं इसको दो सेकंड में सुलटा देता हूं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, थोड़ा नहीं पूरा याद आना चाहिए, पूरा आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो बहुत शर्म की बात है, आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होना चाहिए। देखो ये क्या लिखा है, एक क्वाड्रेटिक लिखा है, आपको क्या बोल रहा है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव हो, ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव हो, लिख लो, ये डीवाई बाई डी शुड बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, रियल थोड़ी लिख सकता हूँ, मेरे को क्या पता डोमेन रियल है या नहीं है, है क्या, हाँ है, बिल्कुल है, तो फॉर ऑल इट्स बिलोंगिंग टू आर लिख लो, फॉर ऑल इट्स बिलोंगिंग टू आर, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव कब होगी आपसे ये पूछ रहा है, हमेशा नेगेटिव होने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उल्टा लटकना पड़ता है, ये हो गया हमेशा नेगेटिव, इसको कहते हैं हमेशा नेगेटिव होना, अगर ये उल्टा लटकेगी तभी होगा, मान लो इसने अगर कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया तो ये हमेशा नेगेटिव कहाँ होगी, ये तो ऐसे सिर्फ इतना एरिया इतना पोर्शन नेगेटिव हुआ उसका, है ना, बाकी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो पॉजिटिव है ना यार, फील कर पा रहे हो, पढ़ा था अपन ने पक्का। तो ग्राफ कैसा बनेगा अपना, ग्राफ ऐसा बनेगा,
और ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ कब बनता है आपका, जब डी नेगेटिव हो और ए क्या हो, ए भी नेगेटिव हो। ए क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशियंट। क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशियंट अगर नेगेटिव होता है तभी ग्राफ उल्टा खुलता है, वरना सीधा खुलता है ग्राफ। तो लीडिंग कोफिशियंट देखते हैं अपन, अपन ने आके लीडिंग कोफिशियंट चेक करा और ये 3। अरे बाप रे, 3 तो पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ उल्टा बन ही नहीं सकता है, इसका ग्राफ उल्टा बन ही नहीं सकता है। कुछ बच्चे सोचते हैं ना ऐसा कि सर ये ग्राफ बन गया ना ऑलवेज नेगेटिव, अबे पागल हो क्या, ये ऊपर जाएगा ना पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये हिस्सा पॉजिटिव आ गया ना, आपको ऑलवेज नेगेटिव करना है इस ग्राफ को। तो क्या पॉसिबल है इस ग्राफ को ऑलवेज नेगेटिव करना? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका लीडिंग कोफिशियंट क्या है, पॉजिटिव है ना। तो लिखो y डैश, y डैश मतलब dy by dx होता है, y डैश लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल सिंस लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव है ना, तो ये ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्यों इतना चिल्ला चिल्ला के 11वीं कक्षा में बोलता था आपको कि क्वाड्रेटिक पढ़ लो अच्छे से, इनइक्वालिटी पढ़ लो अच्छे से, है ना। आपने पढ़ा भी ऐसा नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ आपको, आपको आता है, मोस्टली सबको ही आता है, ठीक है। जिसने सब तमीज से सॉल्व किया होगा सबको इनइक्वालिटीज तो आती ही होंगी। तो केस 2 तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, है ना। वाई डैश लेस देन इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उसके लिए ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, और ऐसा ग्राफ कब बनता है, जब आपका लीडिंग कोफिशियंट नेगेटिव हो। यहाँ पे तो लीडिंग कोफिशियंट साफ साफ पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ तो डेफिनेटली ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, और ग्राफ अगर ओपनिंग अपवर्ड बन गया तो इट कैन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमेशा नेगेटिव आए। यहाँ पे आते हो, यहाँ पे ग्राफ बताओ आपके पास क्या होना चाहिए, बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव है, क्या है, हमेशा पॉजिटिव है या जीरो है, तो हमेशा पॉजिटिव है, हवा में लटक गई, या जीरो भी चलेगा बट नेगेटिव नहीं चलेगा, तो मतलब जीरो के लिए टच वाला केस आ जाएगा ना। तो आप एक बार ग्राफ बनाना सीख जाओ, कंडीशन तो लगा ही दोगे आराम से। ये ग्राफ क्या हो गया अपने पास, ऊपर वाला जो ग्राफ है, नीचे वाले को मैं अगर हटा देता हूँ तो ऊपर वाला ग्राफ क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे आएगा तो ही तो नेगेटिव होगा। और ये दूसरा वाला ग्राफ क्या हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया, इट इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, जिंदगी में एक बार ये जीरो हो जा रहा है, बाकी टाइम तो हमेशा पॉजिटिव है। वही बोला ना आपसे कि हाँ जीरो होगा तो चलेगा बट पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, तो ये दो ग्राफ बनेंगे, इन दोनों ग्राफ की कंडीशन बता दो आप। ऊपर वाले के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव होना है, अबे इसके रूट ही नहीं आ रहे, रूट नहीं आ रहे मतलब डी नेगेटिव, और नीचे वाले का क्या आ रहा है, एक ही रूट आ रहा है, मतलब या तो डी नेगेटिव हो या तो डी इक्वल टू जीरो चलेगा। ये तीसरा ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ ना, ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि आपसे बोला है कि क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें हमेशा पॉजिटिव थोड़ी ना हो, इसमें कभी कभी नेगेटिव हो जा रहा है ना। ये देखो बीच नेगेटिव, एक्स एक्सिस से नीचे चला गया मतलब नेगेटिव हो गया, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल ही नहीं। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, मतलब आपको डी लेस देन जीरो लगाना है और आपका लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव होना चाहिए। लीडिंग कोफिशियंट भगवान की दया से पहले से पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका लफड़ा नहीं लेना है अपने को, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसका। डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लो आराम से, देखो बी स्क्वायर माइनस 4 3 12 12 3 36 ए, डायरेक्टली 36 लिखते ना यार, क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड ए पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे ए किस्मत से हमको पॉजिटिव दिया था, उसका लोड नहीं लेना है, ठीक है, लिख चाहे तो लिख लो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। तो ग्राफ तो इसका डेफिनेटली ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी अपन ने कैंसिल करी थी। लेस देन इक्वल टू जीरो, 4 कॉमन ले लो यहाँ से, इनफैक्ट बहुत कुछ कॉमन आ जाए, एलिफेंट कैमल बन रहा है शायद यहाँ पे, नहीं 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 एलिफेंट कैमल ढंग से नहीं बन रहा है, 4 कॉमन ले लो आप, है ना, 4 को कॉमन ले लो क्या बनेगा, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, खोल दो क्या ए प्लस 2 के होल स्क्वायर को, खोल देते ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 4a हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 9 है,
तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, 4a-9 हो जाएगा -5a प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, और 4 बाहर है लेकिन उसको मैंने जादू मंत्र से क्या करा, गायब कर दिया। आपको जादू मंत्र पता चल गया ना, 4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। इसको फैक्टराइज कर लो, कैसे फैक्टराइज होगा, ये a माइनस 4 इंटू ए माइनस 1, ये हो गया फैक्टराइज, लेस देन 0। वेवी कर्व मत बनाने लग जाना, छोटा रूट से बड़ा रूट, 1 से लेके 4 आ जाएगा आपका आंसर। a बिलोंग्स टू 1 टू 4, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है, तो a बिलोंग्स टू 1 टू 4 आ गया। यही आपका आंसर है फाइनल। यहां से तो कोई आंसर नहीं आया, यहां से एक आंसर आया, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था ये, थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आते भाई है ना, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे आसान क्वेश्चन आपको मेंस में नहीं मिलेगा। और देख लो पूरा, मतलब फंक्शंस भी है इसमें, क्वाड्रेटिक भी है, इसलिए तो आपको मैं फंक्शन लास्ट में पढ़ाता हूँ, मतलब सब कुछ पढ़ाने के बाद ही फंक्शन पढ़ाना सही है। जैसे कि अपना NCERT में क्या फंक्शन सबसे पहला चैप्टर है, तो आपको अगर क्वाड्रेटिक नहीं आएगी तो कद्दू एक क्वेश्चन कर पाओगे आप, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह, लीडिंग कोएफिशिएंट, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में ये सब बेसिक आना चाहिए, ग्राफ बनाना सीखो, बार बार रिवाइज करो ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, 30-40 सेकंड का टाइम है आपके पास, आराम से कॉपी कर लो। किसी को डाउट हो तो टाइप करो एक बार कि सर नहीं समझ में आया, और क्लियर हो तो भी टाइप कर दो कि सर समझ में आ गया। कॉन्फिडेंस से टाइप करना है, ऐसे भेड़ चाल में मत टाइप करना कि नहीं यार लिख देते क्लियर है। ठीक है, आपका ही नुकसान है यार, मैं क्या कर पाऊंगा। तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अपन ने देखो 1% भी इसमें रट्टा यूज नहीं करा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट से सॉल्व करा है। और सॉल्विंग देखोगे ना अगर आप, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जो अच्छा बच्चा होगा ना, जो थोड़ा भी डिसेंट बच्चा होगा, इस क्वेश्चन को वो 2 मिनट में खत्म कर देगा, 120 सेकंड मैक्स, क्योंकि भाई उसमें कंडीशन पकड़नी है आपको फटाफट कि हाँ 1-1, 1-2 दे रखा है, ये सब दे रखा है, ये बस इतना सा सॉल्विंग था। उसके पहले तो दिमाग ही लगा रहे थे अपन, उसके पहले सॉल्व कहाँ करा अपन ने, ये बस dy/dx निकाला तो कोई भी निकाल देता, ये सॉल्व करा अपन ने, छोटी सी इनइक्वालिटी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, f दे रखा है आपको 0 to infinity, कोई डाउट वाला है क्या, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। डाउट वाला हो तो भाई मेरी नज़र उस पर ही रहती है, 1 to infinity, जबरदस्ती डाउट मत पूछना है ना, कूल लगेगा इस टाइप से, आपको डाउट है तो पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, और ज़बरदस्ती क्लियर भी मत लिखना ना कि कूल लगेगा, कूल कोई भी नहीं इस दुनिया में आपके टीचर के अलावा, स्पेशली मैथ्स वाला। ठीक है, ये लिखा आपके सामने फंक्शन, आपको क्या बोल रहा है, फाइंड, ऊपर वाला कौन सा, ऊपर तो बहुत कुछ है, कौन सा पार्ट नहीं समझा आपको, दो पार्ट है ना, dy/dx > 0, dy/dx < 0, कौन सा वाला नहीं समझा स्पेसिफिकली बताओ मुझे। क्वेश्चन है भाई, चलो मैं फिर से समझाता हूँ फटाफट, देख लो फंक्शन दिया था, उसका डेफिनेशन ऐसे दे रखा है कि हाँ भाई इनपुट उसमें ऑल रियल नंबर जाएगा, आउटपुट भी ऑल रियल नंबर आ सकता है, लेकिन ये कोड डोमेन है। अब ये जो फंक्शन है आपके सामने वो एक क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन का रेंज आपको आधी रात को भी याद होना चाहिए कि इसका रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है, क्योंकि इट्स एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो रेंज इसका हो गया ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है, आधे सेकंड में आपने बता देना है कि ये ऑन टू है, रेंज कोडोमेन बराबर है 0.5 सेकंड, मतलब समझ रहे हो
एक सेकंड के आधे में आपको बता देना कि फंक्शन ऑन टू है, इतना टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए, लिखना भी नहीं आपको कुछ। जैसे आपने बता दिया ऑन टू है, आपको क्या बोल रहा है फंक्शन, ये जो फंक्शन है इट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन कौन होता है, जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो भाई ये ऑन टू तो है, इसका टेंशन मेरे को नहीं लेना है, ऑलरेडी ऑन टू है, है ना, दिमाग लगा के मैंने देख लिया। ऑन टू नहीं होता तो मैं इसको ऑन टू बनाता, इसको मैं ऑन टू बनाता, लेकिन अभी ऑन टू है तो अब इसको वन वन बनाना है। वन वन बनाने के लिए आपने क्या बोला कि वन वन कैसे बनता था, ग्राफ बना लिया अगर आपने तो वन वन तो ऐसे ही चेक हो जाता था कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, काम हो गया। लेकिन यहाँ पे ग्राफ तो बना नहीं सकते अपन, क्योंकि क्यूबिक है और क्यूबिक में भी एक वेरिएबल घुसा हुआ है ए, जिसका वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो हम इसका ग्राफ नहीं बना सकते। तो मेथड थ्री क्या होता है, डी बाई बाई डी एक्स। अगर कोई भी फंक्शन वन वन है तो उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव या तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा या तो हमेशा लेस देन जीरो होगा। इक्वल टू जीरो भी लगा देते हैं अपन, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक केस आ जाता है। वो इतना लोड मत लो, बट इतना सोच लो कि हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा तो हमेशा वन वन, या हमेशा डिक्रीज करेगा तो भी वन वन। तो हमने दोनों कंडीशन को बारी बारी से लगाया, यहाँ पे वाई था इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला मैंने और निकाला, यहाँ पे भी निकाला, ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व करा और लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करा। जब लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करा तो मुझे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, है ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बोल रहा है कि ये हमेशा नेगेटिव होगी, उसके लिए सॉल्व करो। तो हमने चेक करा कि हमेशा नेगेटिव का ग्राफ ऐसा बनता है, और ऐसा ग्राफ इसका तो बन नहीं सकता, क्योंकि उल्टा ग्राफ ना, ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ इसका बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव मतलब है हमेशा ऊपर ही खुलेगा, और हमेशा ऊपर खुलते हुए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑलवेज नेगेटिव आ जाए। ऑलवेज नेगेटिव के लिए बस यही एक डिजायरेबल ग्राफ है, जो कि बनना इम्पॉसिबल है। तो हमने बोला कि ठीक है इसको रिजेक्ट करते, केस टू से अपने पास कोई आंसर नहीं है। केस वन से देखा हमने, एक क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर दैन जीरो, हमेशा ग्रेटर दैन जीरो मतलब ऐसे लटका हुआ, या फिर ये देखो ना इक्वल टू जीरो भी लगाए इधर, तो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो में ये वाला सेकेंड वाला ग्राफ भी आ जाएगा। तो ग्रेटर दैन जीरो में ये आ जाएगा मतलब हवा में लटका, हवा में लटका मतलब डी नेगेटिव, और एक बार चिपका दिया अगर आपने, एक बार टच कर दिया तो डी जीरो, है ना, ए पॉजिटिव तो ऑलरेडी है इसका, तो डी लेस देन जीरो कंडीशन लगाई, आंसर आ गया डी लेस देन जीरो। मैंने यहाँ पे इसके बाद सॉल्व करा जो मैंने वो थोड़ी बताऊंगा यार, वो तो इनइक्वालिटी है दो कौड़ी की, लेकिन डी लेस देन इक्वल टू जीरो अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व क्यों लगाया है, कंडीशन क्यों लगाई वो समझना है आपको। ग्राफ के हिसाब से समझ जाओ कि भाई ग्राफ लटका हुआ है हवा में, मतलब कोई रूट नहीं, कोई रूट नहीं मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, दसवीं कक्षा के बच्चे को पता है ना इस चीज़ को, कोई भी रूट नहीं मतलब नेगेटिव, या एक रूट है, एक रूट मतलब इक्वल टू जीरो, तो एक साथ लगा दिया मैंने डी लेस देन और इक्वल टू जीरो एक साथ लगा दिया, ठीक है, तो वहाँ से आपका आंसर आ। इसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व तो अपन कर ही लेंगे, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है मुझे, देखो कैसे निकालेंगे। वाई मान लो, इन्वर्स निकालने के लिए करते क्या हो, वाई मान लेते हो, एक्स को अकेला करते हो, फिर उसके बाद जो कांड करना कर सकते हो, है ना, तो वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, राइट। अच्छा एक्स को अकेला करना है मुझे, ये थोड़ा बड़ा टास्क लग रहा है, चलो क्या करते हैं ना, ऊपर जो ए की पावर माइनस एक्स है, देख लो क्या अगर मैं ए की पावर माइनस एक्स को वन बाई ए की पावर माइनस वन बाई ए की पावर एक्स लिख दूंगा तो आप रोने तो नहीं लग जाओगे ना, ऐसा कर सकते हैं अपन बिल्कुल, है ना, एक्सपोनेंट्स में अपन ने पढ़ा है, तो इसको लिख दूंगा मैं ई की पावर एक्स अपॉन प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन टू, तो वट विल इट बिकम, इट विल बिकम e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2 e की पावर में x, है ना, ये आपका y हो गया। अच्छा x को अकेला करना है मुझे, x को अकेला करना है तो x किसके किसके पास है, ये e के पास में x है और इस वाले e के पास में x है, तो दोनों को साथ में बुलाना पड़ेगा, भाई साथ में तो बुलाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट विल यू गेट, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 e की पावर x into y कितना बनेगा, 2y into e की पावर में x, दिस इज इक्वल टू e की पावर में 2x प्लस वन, ओके, ई टू द पावर एक्स दोनों को साथ में ले आते हैं, यार साथ में लाके कुछ खास फायदा होगा नहीं अपना, कोई बात नहीं, थोड़ा सोचने दो, एक तो अपन ने ऐसे कर लिया क्योंकि दोनों में पावर अलग अलग है ना, कॉमन नहीं आ पाएगा। ठीक है, या तो मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको कि क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ मैं, एक तो मेरे पास, हाँ ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि मैं क्वाड्रेटिक बना लूँ, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसको, है ना, चलो तो मैंने क्या करा, ई की पावर एक्स को दो मिनट के लिए टमाटर बोल दिया, है ना, ऐसा क्यों करा भाई मैंने, क्योंकि मेरे को कुछ दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, देखो इधर से टू वाई इंटू
ये टमाटर हो गया ना, टमाटर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, टमाटर का स्क्वायर प्लस वन, सही। शांति से देखिए, सब कुछ आर एच एस में फेंक दो, तो एल एच एस में क्या बचेगा, जीरो, टी स्क्वायर माइनस टू आई टी प्लस वन, सही। अच्छा इसको परफेक्ट स्क्वायर मेरे को करना क्या, अरे समझो तो सही जरा, आपको करना, आपको एक्स इज इक्वल टू कुछ कुछ लाना है, एक्स को अकेला करना है, एक्स को अकेला करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि एक्स को अकेला करना, मैं क्या सोच रहा था ना पहले कि ई की पावर समथिंग और ई की पावर समथिंग साथ में ले आते हैं फिर कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे पावर एक्स है और यहाँ पे पावर टू एक्स है तो कॉमन नहीं ले सकते, तो मैंने क्या करा, टी मान लिया इसको, ताकि मैं अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, यहाँ पर क्या कर दूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना दूं या तो मैं श्रीधराचार्य मेथड लगा, श्रीधराचार्य मेथड आपको पता है, पहले इसको ढंग से लिख दें, अरे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता है कि t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर से टू कॉमन आ जाएगा, तो टू टाइम्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन। अब रोने मत लग जाना, एक स्टेप मैंने खा गया, तो अरे भाई इधर से फोर कॉमन लिया बाहर टू आया, फिर टू भी एक बार और कॉमन ले लिया तो ये बाहर टू आ गया है ना, और ये टू और टू को काट भी देंगे तो अपने पास जो टी है वो क्या बचेगा, टी है क्या ए की पावर में एक्स, तो ए की पावर एक्स तो अकेला हुआ, कम से कम ए की पावर एक्स तो अकेला हुआ, तो e की पावर x जो है वो कितना आ गया, y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया अपने पास। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करें, देखो इन्वर्स कैसे बनाते थे अपन, x को अकेला करके, अभी x को नीचे उतारना है, x ऊपर फंसा हुआ है तो नीचे उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर बच्चा बोलेगा log लेना पड़ेगा, log लेंगे किस बेस का लेंगे, e बेस का, अरे भाई दोनों तरफ आप e बेस का log ले लो, e बेस का log होता क्या, ln, तो ln e की पावर x इज इक्वल टू ln ऑफ y प्लस माइनस, दो इनवर्स आ रहे हैं मेरे पास प्लस माइनस के साथ, तो मैं उसको आखिरी में डील कर लूंगा, प्लस माइनस y स्क्वायर माइनस वन, सही है। अच्छा देखो ये x अब नीचे उतर जाएगा, पीछे आ जाएगा, और यहाँ पे एक बचेगा ln e, ln e तो वन होता है, ln मतलब log e बेस e, log e बेस e, x आ गया आपके पास y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस वन, क्या करूं इधर, रिप्लेसमेंट कर दिए, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, x अकेला हो, कितनी मेहनत लगी भाई x अकेला करने में, x अकेला करने में बहुत मेहनत लग गई अपने को, तो x और y को आप रिप्लेस कर दो एक दूसरे से, तो इधर क्या बन जाएगा आपके पास, सेकंड स्टेप ये है ना, x और y को आप अदला बदली कर दो, तो x की जगह y ln ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये आपका इन्वर्स है, लेकिन दो इन्वर्स है मेरे पास, अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो एक प्लस वाला इन्वर्स आएगा, एक माइनस वाला इन्वर्स आएगा, तो y इज इक्वल टू, अब एक ही फंक्शन के दो इन्वर्स तो हो नहीं सकते, तो एक रिजेक्ट करना है एक एक्सेप्ट करना है, तो रिजेक्ट और एक्सेप्ट कैसे करेंगे वो आप लोग मुझे बताओगे, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं। इसके बाद एक ही क्वेश्चन है फिर आपका इन्वर्स खत्म, लास्ट टॉपिक पीरियोडिक बचेगा, तो इसको जल्दी जल्दी करो। देखो इधर ये फंक्शन का डोमेन कितना था बच्चों, ये डोमेन था और ये रेंज था, जब अपन उल्टा आएंगे आप सुन ही नहीं रहे, कोई नहीं सुन रहा, इधर देखो ये क्या है डोमेन और ये क्या है रेंज, जब आप उल्टा आओगे तब ये डोमेन बन जाएगा और ये रेंज बन जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी रेंज हो जाएगा, डोमेन क्या बनेगा, वन टू इन्फिनिटी, सही बात है, वन टू इन्फिनिटी विल बी डोमेन, वन टू इन्फिनिटी में से कोई भी खूबसूरत नंबर पकड़ लिया जाए, पुट एनी खूबसूरत नंबर, वन टू इन्फिनिटी इसका डोमेन बन जाएगा ना,
यही लिखा है ना डोमेन 1 टू इंफिनिटी। 1 टू इंफिनिटी में से कोई भी एक खूबसूरत नंबर क्या हो जाएगा, x = 1। आप x = 1 डाल के देखो, x = 1 यहां पे डाल के देखो, कुछ टाइपिंग एरर हुआ है क्या? 0 टू इंफिनिटी से 0 टू इंफिनिटी सही तो है सब कुछ। सही ना? वन डालो, चलो वन डालो यहां पे ऊपर, पुट सम ब्यूटीफुल वैल्यूज लाइक x इज इक्वल टू 1 2 लाइक दैट, है ना? या जीरो भी डाल सकते, जीरो तो डाल ही नहीं पाओगे, इनवर्स की डोमेन में नहीं है ना। एंड चेक रेंज, एंड क्या चेक करो, चेक करो आप रेंज को, करते हैं ना प्रयास करते हैं भाई। यहाँ पे डालो बच्चों आप, वन डाल दो, कितना आ जाएगा ऊपर, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 क्या होता है, हैं? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो 1 प्लस 0, तो बेसिकली आपके पास क्या है, वाई इज इक्वल टू ln ऑफ 1 जी, दैट इज 0। सुनो सुनो, तो इनवर्स में, इनवर्स का आंसर क्या रहा, 0। इनवर्स की रेंज क्या है, इनवर्स की रेंज ये है, दिस इज द रेंज ऑफ इनवर्स। क्या इनवर्स की रेंज में 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, है ना? तो ये तो मुझे सही लग रहा है ऊपर वाला, नीचे वाले में भी मैं डाल के देखता हूँ। यहाँ पे डालो आप, 1 डाल दिया अपन ने x की जगह, और यहाँ पे भी डालो, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, तो ln ऑफ 1 आ जाएगा, तो ये भी 0 आ गया। तो यार 1 से तो डिसाइड नहीं हो पाया, 1 से डिसाइड नहीं हो पाया, क्या करूँ मैं अब? मैं येलो इंक से 2 डालता हूँ, थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा। 2 डालो बच्चों, यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 4 माइनस 1 3, तो क्या लिखा है, ln ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, डिफाइंड अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आते हैं, इसमें आ जाए, ये इसमें डाला है और ये इसमें डाल रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू ln ऑफ 2 डालेंगे अपन, तो 2 माइनस, आपको सब क्लियर हो जाएगा अभी, देखो अभी ना, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 1 3, रूट 3। अरे यार 2 माइनस रूट 3 भी डिफाइंड होता है क्या? 2 माइनस रूट 3 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? 2 माइनस 1.7, 2 माइनस 1.7 इज पॉजिटिव, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है 0.7, तो 0.7 से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 से छोटा इनपुट, सॉरी 1 से छोटा इनपुट जा रहा है ना, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। हाँ हो गया ना, रिजेक्ट हो गया, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा इसमें, देखो कैसे, समझिए, येलो वाली इंक को समझो, मेरे को ये बताओ, ये जो फंक्शन है अपना इनवर्स, उसकी रेंज क्या है? इनवर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ इनवर्स एक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है, उल्टा कर देंगे ना, उल्टा, उल्टा कैसे हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी से लेकर 0 टू इन्फिनिटी, है ना, 1 से इन्फिनिटी से लेकर 0 टू इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी से लेकर 0 टू इन्फिनिटी, सही बात है? तो मतलब इसकी रेंज में जो भी नंबर आएगा वो 1 से बड़ा आना चाहिए, सॉरी सॉरी, रेंज में नहीं, रेंज तो इधर है ना, तो रेंज में जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। अरे भाई 0 से बड़ा नंबर आना चाहिए रेंज में, चेक करते हैं 2 प्लस रूट 3 कितना होता है, नहीं बताओगे, 2.73 हो जाएगा, है ना? लॉग का ग्राफ बना दूं मैं, लॉग के आगे क्या आ रहा है, लॉग के आगे ये पूरा भैंस आ रहा है ना, इतना बड़ा सा नंबर आ रहा है, तो लॉग के आगे ln का ग्राफ होता है ये, और ये पॉइंट कितना होता है 1.0। ध्यान से देखिएगा, आपको 1 से इन्फिनिटी ही इनपुट देना है, इनपुट क्या देना है आपको, 1 से बड़ा, इतना मुश्किल नहीं है यार, इतना मुश्किल सही में नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, बस आपको हिट एंड ट्रायल करना है ना, अभी आएगा समझ में। आपका इनपुट क्या है, 1 टू इन्फिनिटी, तो ये है आपका इनपुट, इतना ही इनपुट दे सकते हो आप, इतना ही इनपुट आप दे सकते हो, 1 टू इन्फिनिटी ये वाला इनपुट आप दे सकते हो। तो हमने देखा कि ये 2.73 एक वैलिड इनपुट है क्या बच्चों,
हाँ बिल्कुल, वन से बड़ा है, 2.73 यहाँ पे आएगा, इट इज अ वैलिड। तो अभी तक मेरे को ये फंक्शन सही लग रहा है कि यही इन्वर्स होना चाहिए। यहाँ पे आ जाते 2 माइनस 1.73 कितना हो जाएगा, अच्छा ये 3.73 होगा ना, सॉरी 3.73 भी वैलिड इनपुट है, 3.73 तो वैलिड इनपुट है। और यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ये 0.27। अरे भाई 1 माइनस 2 माइनस 1.73 कितना आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा, 0.27 जा रहा है लॉग के अंदर। तो लॉग के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो 0.27 आ रहा है। अच्छा 0.27 पे आउटपुट क्या देता है लॉग, 0.27 यहाँ पे कहीं आएगा, आउटपुट क्या आएगा आपको यहाँ पे कहीं आएगा, आउटपुट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ध्यान से देखिए आप, है ना, ध्यान से देखिए। हाँ आदित्य, मैंने उसको करेक्ट कर दिया ना, 3.73 को देखो इधर क्या बोल रहा था मैं, आपको भूल गया। हाँ 0.27 जब एलएन में डालोगे तो ये वन है ना भाई, जूम कर दो ना, चलो जूम करेंगे अपन इसको। वन से बड़ा इनपुट आपको आउटपुट क्या देगा, ये, और ये वाला आउटपुट क्या है, कुछ भी हो जो भी है पॉजिटिव है। और वन से छोटा मतलब 0.27 ये आपको आउटपुट क्या देगा, ये नेगेटिव है, ये वाला आउटपुट क्या है, नेगेटिव है ना। लेकिन इसका आउटपुट नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो मतलब ये वाला फंक्शन डेफिनेटली इनवर्स नहीं है, है ना। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ मैंने क्या करा, दो फंक्शन है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि दो फंक्शन है, इनमें से कोई एक रिजेक्ट करना है, कोई एक एक्सेप्ट करना है, ये या ये। तो हमने इसमें x इज इक्वल टू 1 डाला तो हमारे पास दोनों 0-0 आ गए, डिसाइड नहीं कर पाए अपन, है ना, टाई हो गया मैच। फिर हमने 2 डाला तो हमको पता चला कि यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आया अपने पास, 3.73 इनपुट आ रहा था, और जब हमने नीचे वाले में 2 डाला तो आंसर नेगेटिव आ गया। इनवर्स का जो भी अपना इनवर्स फंक्शन है उसका रेंज है ना, या जो भी उसका आउटपुट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे वाला फंक्शन धोखा दे रहा था हमको, ठीक है ना। तो धोखेबाज लोगों से दूर रहना अपने को, इसको काट दो, ये फंक्शन इनवर्स नहीं, तो दिस इज द इनवर्स, इसको मैंने टिक करा। देयरफॉर इसको रिवाइज करो प्लीज प्लीज प्लीज, इस क्वेश्चन को जैसी क्लास खत्म होती है अच्छे से रिवाइज करो, आज आपको बहुत भारी भरकम होमवर्क मिलेगा, है ना। एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, ये एल एन ऑफ एक्स प्लस वाला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगला होमवर्क आपका एक क्वेश्चन है, इफ एफ 0 to infinity से लेकर 1 to infinity ये एक फंक्शन दे रखा है, और एफ ऑफ एक्स जो है क्या e की पावर में x बाई टू प्लस e की पावर में माइनस x बाई टू डिवाइडेड बाई टू ये दे रखा है आपने, बोला आपको क्या करना है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, बस मैंने एक्स की जगह एक्स बाई टू डाला है ताकि आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल लंबा करना पड़ेगा। इसको लिखो जल्दी से, फिर अगला टॉपिक है अपना पीरियोडिक फंक्शन।
चलिए कर लोगे क्वेश्चन, सॉल्यूशन भेजो मेरे को शाम तक। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, पीरियोडिक फंक्शन। फिर हमारा फंक्शंस चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। हम इसकी बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी, है ना। क्वेश्चंस इतने सारे करेंगे, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस हमको और सॉल्व करने हैं इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक अपना पूरा बस फंक्शंस को सॉल्व करने का रहेगा, और थोड़ा थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेशन पहले समझा देता हूँ मैं आपको, फिर लिखेंगे। पहले समझ लेते फिर लिखेंगे ना। तो अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आप लोगों को अभी कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी आसान होता है, लेकिन एट द सेम टाइम एक लेवल पे जाके ये इतना मुश्किल हो जाता है कि बच्चे एकदम चकरा जाते हैं। बट मेरे पास इसकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, तो हम लोग देखेंगे उसको आगे जाके। अच्छा, एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी कि ट्रिक देखते ही आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपके सामने एक ग्राफ बना दूंगा, ये मैंने बना दिया आपके सामने साइन एक्स का ग्राफ, थोड़ा छोटा बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन एक्स के ग्राफ में आप कुछ खास बात कह सकते हो क्या? अच्छा, पीरियोडिसिटी से अपने को क्या आइडिया लगता है? अगर मैं आपसे पूछूं इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी? कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वही वही चीज दोबारा रिपीट होना, इसको कहते हैं पीरियोडिक या पीरियोडिसिटी, है ना। पीरियोडिसिटी पीरियड मतलब क्या हो जाएगा, एक खास इंटरवल हो गया, एक छोटे छोटे इंटरवल के बाद चीज़ें रिपीट हो रही है। तो अगर मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बना रहा हूँ ग्राफ, क्योंकि मेरे को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब इस y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ में आपको एक चीज समझनी है कि बहुत सारा रिपीटेशन हो रहा है ना। ग्राफ जो है एक हद के बाद वो रिपीट करने लग जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको ये येलो वाला पोर्शन को थोड़ा सा हाईलाइट करके दे दूंगा, तो ये येलो वाला पोर्शन एक तुसा है ना, ये वाला पोर्शन, और फिर से अगर मैं पिंक से ये वाला पोर्शन हाईलाइट करता हूँ, है ना, और फिर से मैं हार नहीं मान रहा हूँ। अब मैंने ग्रीन उठा लिया, अब मैंने क्या करा, ग्रीन से इतने पोर्शन को हाईलाइट कर दिया, तो आपको इन तीनों पोर्शन का, तीनों कलर से जो मैंने पोर्शन को हाईलाइट करा उनका शेप देखो, तीनों का शेप ऐसा है, एकदम सिमिलर, एकदम सेम। तीनों का शेप क्या है, एकदम सेम। मतलब आपने क्या करा, ये इतना सा सांप जो है, ये इतनों सा जो सांप है, इस सांप को बार बार उठा के आपने यहाँ पे रख दिया, फिर इधर रख दिया, तो आपका ग्राफ बन गया। मतलब आपने एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा जो है ग्राफ का पकड़ा, इतना सा हिस्सा, यही जो हिस्सा है, यही जो पोर्शन है, वही पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, आपका ग्राफ बनता चला जा रहा है। नॉट जस्ट हियर, आप अगर पीछे भी देखेंगे तो भी आपका ग्राफ जो होगा वो रिपीट हो रहा है। देखो यही वाला सांप जो है ना, सांप समझते, स्नेक, स्नेक जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, तो यही वाला जो पोर्शन है वो पीछे भी रिपीट हो रहा है, तो ये एंडलेसली रिपीट हुए जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें ग्राफ जो है वो एक हद के बाद रिपीट करने लग जाता है, वैसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। सही बात है, क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो भाई बहुत ही अच्छा ग्राफ हो गया, तो मतलब मजा आ गया देख के, तो कलर वलर देख के। ठीक है, समझो इस बात को। तो ये फंक्शन कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है वो पकड़ना है अपने। तो हमने इसका सबसे पहले रूट इंटरवल पकड़ा। रूट इंटरवल मतलब क्या होता है कि सबसे पहला इंटरवल जो जीरो से चालू हुआ था, जीरो से चालू होकर ये पहली बार कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट किया। तो हमने बोला कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन,
यहां से इट स्टार्टेड रिपीटिंग आफ्टर दिस डॉटेड लाइन, आपका फंक्शन जो है दोबारा से पिंकी पिंकी वाला फंक्शन जो है ना वो रिपीट करने लगा। कहां तक रिपीट करा? वो यहां तक रिपीट किया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर ये फंक्शन जो है येलो वाला पोर्शन रिपीट हुआ, कहां तक वही? अच्छा, ये पॉइंट क्या है जल्दी से बताओ। ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, और ये क्या होगा? 3 पाई होगा, ये 4 पाई होगा। अच्छा, और ये क्या होगा? 5 पाई होगा क्या? बिल्कुल होगा। और ये 6 पाई होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा। तो ये 6 पाई तक रिपीट कर रहा, आगे भी करेगा, 6 पाई से 8 पाई तक जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप? तो बेसिक आइडिया जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो अपन धीरे धीरे उसको क्लियर करेंगे। तो आप लोग अगर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अभी अपन समझ लेते हैं इसको। पीछे भी वही डॉटेड लाइन में बना सकता हूँ कि आपका ग्राफ जो है वो तिरछा हो गया है। ठीक है, देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझना है ना। ये पॉइंट बता दो उसमें -2 पाई, और ये कितना हो जाएगा? -पाई। तो ये जो इतना इंटरवल है इसका लेंथ कितना हो गया बच्चों? ये 0 था और ये 2 पाई है, तो डेफिनेटली ये लेंथ 2 पाई हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? सेम 2 पाई, देखो ना, 4 पाई -2 पाई, अगेन 2 पाई। अच्छा, ये वाला लेंथ भी 2 पाई हो जाएगा। हाँ देख, थोड़ा बड़ा रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, वो ड्राइंग में थोड़ा परफेक्शन थोड़ी अपना उतना, तो ये भी 2 पाई आ जाएगा। अच्छा, ये वाला भी 2 पाई आएगा क्या? हाँ, मतलब इसका आप समझिए कि ये जो साइन का ग्राफ है, इस साइन के ग्राफ में बहुत सारा रिपीटेशन है, सेम शेप जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, कितने बार रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। कितने इंटरवल पे रिपीट हो रहा है? 2 पाई इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? 2 पाई इंटरवल के बाद ये फंक्शन जो है वो रिपीट करने लगा है। एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो ना, ये इतने से पोर्शन का फोटोकॉपी जो है वो यहाँ पे चिपका दो, तो नया ग्राफ, आपका ग्राफ एक्सटेंड हो जाएगा। फिर इसका और फोटोकॉपी आप यहाँ पे चिपका दोगे तो आपका नेक्स्ट ग्राफ बनता चला जाएगा। तो बेसिकली कितने इंटरवल पर रिपीट हो रहा है? 2 पाई। तो ये फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? द फंक्शन, देखो, द अबव फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x। इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी फिक्स्ड अबव फंक्शन, या अबव ग्राफ भी लिख सकते हो ना, अबव ग्राफ इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ 2 पाई, देयरफॉर दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और इसकी पीरियोडिसिटी जो हो जाएगी ना, एक टर्म होता है पीरियोडिसिटी, उस टर्म का नाम होता है कि कितने इंटरवल में रिपीट हो रहा है, तो उसकी पीरियोडिसिटी हो जाएगी 2 पाई। प्लीज राइट इट डाउन कि हर 2 पाई के इंटरवल में रिपीट हो रहा है तो उसकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी? 2 पाई होगी। ड्रॉ कर लो, टाइम ले लो आराम से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन को अपन पीरियोडिक कब कहेंगे? डेफिनेशन लिखो। पीरियोडिक फंक्शन
अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, चलो अब अपन इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक जब छेड़े लिए, तो जब छेड़ लिया तो थोड़ा और आगे का पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान से, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ग्राफ को ध्यान से देखो। आप मुझे एक बार बताओ कि ये फंक्शन हाफ कब कब होगा? चलो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो हाफ है ना, ये वाला, अरे वाई में हाफ देखोगे ना तो ये हाफ है। तो ये हाफ कहाँ कहाँ हो रहा है? एक तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट साइकिल के बाद ये दोबारा कब हाफ होगा? तो कंप्लीट साइकिल को क्या कब खत्म हो रहा है अपना, ये 2π पर, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा पहली बार ये हाफ कब होता है, जब मैंने क्लास 10th में पढ़ा था तब वो 30 डिग्री हुआ करता था, तो 30 डिग्री पर ये हाफ होता है। 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, पाई बाय 6 लिख दूंगे तो ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि अपन लुट गए सनम, ठीक है। तो ये पाई बाय 6, जूम कर दे, जूम कर देते थोड़ा सा, खुश, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इसको जूम कर दिया है। अभी देखिएगा कि ये कंप्लीट साइकिल में पहली बार हाफ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट साइकिल में कहाँ पर हाफ हो रहा है? एग्जैक्टली हाफ तो ये ऐसा ही होगा यहाँ पर, कौन सा x आएगा वो, ये जो x होगा ना, व्हाट विल इट बी? और फिर से नेक्स्ट साइकिल, अगला साइकिल क्या है ये वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी हाफ हो रहा है ना, यहाँ पे भी हाफ हो रहा है, तो मैं लिखते चलो यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मैं इस पर इतना फोकस नहीं करना चाह रहा था, बट लिख लेते अपन, ये पाई है और ये कितना 2π है ना, तो ये वाला पॉइंट ये 2π है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पाई बाई 6, 30 डिग्री पे पहली बार हाफ हो रहा था, दूसरी बार हाफ कहाँ पर होगा ये 30 डिग्री के भाई पे, मतलब 5 पाई बाई 6 है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट 30 150, फिर उसके बाद कब होगा ये दोबारा यहाँ पे? एक जादू होता है, मैं आपको जादू बताऊँ, पहली बार कहाँ पर हुआ था बच्चों, पाई बाई 6 पर, दूसरी बार कहाँ पर ये हाफ होगा पता है आपको? उसकी जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी को टी फॉर टमाटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड है। तो अपनी पीरियोडिसिटी कितनी आई थी बच्चों, 2π आई थी ना, देखो नीचे ये 2π आई थी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इज इक्वल टू 2π इज इक्वल टू टी लिख लेना, वो तो बाद में लिख लेना, लेकिन समझ जाओ कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, एक जादू लिख लो आप, ये हमेशा क्या होगा, पीरियोडिसिटी प्लस, पहली बार कहाँ पर हुआ था, पाई बाय 6, पाई बाय 6। अच्छा दूसरी बार ये कहाँ पर हाफ हुआ था, 5π/6, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका पीरियोडिसिटी प्लस 5π/6, गेटिंग द आइडिया, क्यों होता है ऐसा, करके देख लो आप, मेरे पे भरोसा नहीं तो करके, पीरियोडिसिटी कितनी, 2π, 2π प्लस 5/6 कितना हो गया, 6 × 2 = 12, 12 × 1 = 13, 13π/6, 13π/6 पे दोबारा से हाफ होगा। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, ध्यान से सुनोगे, प्रॉमिस सुनो, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है और वो फंक्शन, उस फंक्शन का पीरियोडिसिटी, ये फंक्शन है मेरे मान लिया y = f(x), इसकी पीरियोडिसिटी जो है वो है 2, ऐसी मान लिया, ठीक है। तो मान लो कि वो फंक्शन 1 पर 1.2 हो रहा है, अब आपसे पूछ लिया अगर मैंने कि बताओ दोबारा कब ये 1.2 होगा, दोबारा ये कब 1.2 होगा, तो आपको मैंने एक चीज़ सिखा दी, पीरियोडिसिटी प्लस, पहली बार ये कहाँ पर 1.2 हुआ था, 1 पे, तो t प्लस 1 पे ये दोबारा से 1.2 होगा f(t+1) पे, बात समझ में आ रही है आपको, वही चीज़ है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि दोबारा कब हाफ होगा, t प्लस, पहली बार जहाँ पे हुआ था, पहली बार पाई बाय 6 पे, दूसरी बार t प्लस पाई बाय 6, फिर दूसरी बार कहाँ पे ये हाफ हुआ था, 5π/6 पे, तो अगेन कहाँ पर होगा, t प्लस 5π/6 पे, तो वही चीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। अच्छा ये तो चलो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, मैं इसलिए इस चीज़ को मिटा देता हूँ, डेफिनेशन लिख लेते अपने ना, डेफिनेशन लिख लेते कि फंक्शन f(x) is called periodic function
इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर टी सच दैट टी इज ग्रेटर देन जीरो है ना कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स within the domain of x समझ में नहीं आएगा अभी अपने को ये ठीक है वही चीज लिखी है बट मैंने ना एग्जैक्टली वही चीज लिखी है इसको अपन बहुत डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे आप पहले लिख लो फिर आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा मैं ठीक है सब्जेक्ट रिलेटेड बातें नहीं करेंगे अभी अपन थोड़ा दो तीन मिनट इधर उधर की बातें करते हैं फिर ये लास्ट टॉपिक है हार्डली अपने को एक लेक्चर लगेगा तो मंडे को अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड ट्यूसडे से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर सकते हैं बट वी वोंट स्टार्ट है ना हम फंक्शन को थोड़ा सा और पढ़ेंगे मतलब क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूल वगैरह के तो ये चीज़ लिख लिया आप लोगों ने अब फंक्शन इज कॉल्ड पीरियडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर टी फॉर टोमेटो सच दैट अच्छा पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने इसलिए लिखा मैंने टी पॉजिटिव सच दैट कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन इसको अपन पीरियड कहते हैं सच दैट कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी दोबारा एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए मतलब आपने अगर टी जोड़ दिया ना तो आपको दोबारा वही वैल्यू मिल जाएगी दिस इज द आइडिया जैसे कि आपने ऊपर क्या करा था कि 30 डिग्री पे क्या आ रहा था आपका आंसर एफ ऑफ 30 डिग्री आपका हाफ आ रहा था तो दोबारा हाफ कब आएगा बच्चों एफ ऑफ 2 पाई प्लस 30 डिग्री है ना 30 डिग्री जगह मैं पाई बाय 6 लिख दूं मैं पक्का तो एफ ऑफ पाई बाय 6 अगर हाफ आ रहा था ना दूसरी बार कब आएगा एफ ऑफ पीरियड प्लस पाई बाय 6 ये हाफ आएगा और पीरियड अपने को पता है 2 पाई मतलब एफ ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6 पर ये दोबारा हाफ बनेगा अकॉर्डिंग टू द साइन ये साइन कर्व के हिसाब से ठीक है तो होपफुली आप लोगों ने ये चीज लिख ली होगी ओके चलिए तो लेक्चर तो आपको ही मिल जाएगा आराम से बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें।